अजकल ज्यादातर बच्चों ने बाहर जाना है ते बाहर जाने वास्ते बच्चे जेड़े ने वो दो तरह के पेपर देंदे पे ने या तो आयल्स करते पे ने या पीटी करते पे ने। पर अक्सर देखण दे विच की आउंदा पिया कि ज्यादातर बच्चों को यह पेपर जेड़े ने क्लीयर ही नहीं होंदे है। कारण की हो सकते हैं? बच्चे कहिंदे ने कि असी बड़ी लगन नाल बड़ी मेहनत करके पेपर देने आ, फिर भी साडे जेड़े बैंड ने वो पांच साढ़े पांच तक आउंदे ने, इस तो उपर बैंड ही नहीं आ रहे है। कारण की हो सकते हैं? कारण बड़े हो सकते हैं, पर अज मैं तुहाडे नाल एक मेजर कारण जिहड़ा वे वो डिस्कस करन जावांगा, उहदे नाल एक दो होर मैं ऐड करांगा। सब तो वड्डा कारण यही है कि बच्चा ये सोचदा है कि जेड़े भी कोचिंग सेंटर दे विचों कोचिंग लैंदा पिया उहदी सिरदर्दी है, जिवें मर्जी वह मेरे छे बैंड या सत्त बैंड लैके आवे, जिहड़ा कि पॉसीबल ही नहीं हैगा। जिन्नी देर तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करता हैगा, जिन्नी देर तक बच्चा लगन दे नाल नहीं पढ़ता हैगा, कोई भी इंस्टीट्यूट जेड़ा वे उन्हूं नंबर नहीं दवा सकता हैगा। असी ज़्यादातर बच्चों के मन दे विच ये है कि हाँ फलाना जेड़ा इंस्टीट्यूट है वह काफ़ी वड्डा है, उहदा नाम बहुत है, जे मैं उत्थे लग गया मेरे बैंड आ जाणगे। इदां बैंड नहीं आउंदे हैगे। बड़े स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे ने जिन्हां नूं दो दो साल लग गए आयल्स करदे आ या पीटी करदे आ, पर दो सालों के भी उन्होंने को पेपर जोड़ा वो क्लीयर ही नहीं होया है, क्लीयर ही नहीं होया। पर बच्चा कहता कि मैं मेहनत जी बहुत वधिया करता पाया, मैं तो अपने वालों 100% देना वा, फिर कमी कितने आ जाती है? कमी सब तो वध जी आती है वो कॉन्फिडेंस के उपर है, सब तो वध। यही रीज़न है जिथे बच्चे जड़े ने डर ला लवो, कॉन्फिडेंस लूज करन नाल ला लवो, ज़्यादातर बच्चे जेड़े ने वो पेपर दे विच फेल होंदे पे ने, पेपर क्लीयर नहीं कर पाते है। हुण ये चीज़ किवें है थोड़ा जिहा ध्यान दिओ जी। जदों बच्चा अपने इंस्टीट्यूट दे विच पहले दिन जांदा उहनूं काफ़ी डर हुंदा, झिझक हुंदी है, उस तो बाद उस इंस्टीट्यूट दे विच दो महीने तीन महीने चार महीने कई छे महीने साल तक लाउंदे ने, ते जदों लाउंदे ने उत्थों दे इनवायरमेंट नूं वो चंगी तरह पछाण जांदे ने, उन्हां नूं डर नहीं लगदा हैगा। वो रूटीन दे विच सारे उही बंदे हुंदे ने, उन्हां दे कोल उही उन्हां दे सज्जन मित्र हुंदे ने, उही टीचर हुंदा, ते जदों टीचर दे अगे बोलदे ने टीचर उन्हां नूं हौसला दे के मोक टैसट या दूजे टैसट जिहड़े भी लैंदे ने वो लैंदे हुंदे ने, जिहदे करके उन्हां दा डर खत्म हो जांदा ते उत्थे बड़े सोहणे तरीके दे नाल वो पेपर देण लग जांदे ने, ते उहदे विच अपने इंस्टीट्यूट 'च उन्हां दे नंबर भी काफ़ी वधिया आउंदे ने। पर जिद्दण उन्हां दा फाइनल पेपर हुंदा वो बाहर किते हुंदा वे, ते उत्थे उस बंदे अगे हुंदा जिहनूं वो जाणदे नहीं हैगे, ते जदों उहदे सामणे जांदे ने जां उस जगह ते ही जाण लग्गिआ कई बच्चिआं दीआं लत्तां पहिलां ही गंबल लग जांदीआं ने। इत्थे ही कमी आउंदी पई है, सब तो वड्डी कमी ही इत्थे आउंदी पई है कि बच्चिआं दे विच कॉन्फिडेंस नहीं हैगा, डारे डर जांदे ने, अगले नवें बंदे कोल पहुँच के डर जांदे ने। तो जिन्नी देर तक बच्चे अपना डर खत्म नहीं करते हैं उन्नी देर तक बच्चे जेड़े ने जाके पेपर सही तरीके दे नाल दे ही नहीं सकणगे। बड़े ऐसे देखे ने जेड़े मेहनत बहुत वधिया करते ने पर डर करके उत्थे उन्हां दा पेपर सही नहीं होंदा, जिहदे करके उन्हां कोल पेपर क्लीयर ही नहीं होंदा। पर कई ऐसे बच्चे होंदे ने जेड़े फकरां वांगू रहिंदे ने, हसदे ने खेडदे ने, पहली बार पेपर देंदे आ सार सत्त साढ़े सत्त अठ बैंड लै जांदे ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने मन के किसी भी प्रकार का डर ही नहीं होंगे है, वह खुल के जाते हैं, खुल के अपनी गल अगे रखते हैं। आयल्स के पेपर के दिमाग की वरतों है, अगले बंदे ने यह देखना है कि तुहानू की इंग्लिश आती है, बोलनी समझनी सुननी लिखनी सारा कुछ आता है तुहानू के नहीं आता है। उस पेपर में असी हवा बना के अपने आप उत्ते हावी कर दिता, जिदे करके साडे मन च डर बैठ गया, ते जदों असी अगली जगह ते जाने आ डर के जदों पहुँच गए अद्धी हार साडी उत्थे ही हो जाती है जदों असी डर जाने। सो मैं जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं यही अपील करांगा कि सब तो पहला अपने डर नूं खत्म करो, सब तो पहला डर नूं खत्म करो, जिवें मर्जी करो पर करो। वो किवें कर सकते हो? अनजाण बंदे चाहे तुहाडे पिंड दे ने अपने माँ प्यो दे अगे बोल के देखो, थोड़ा अगे गलबात करके वेखो, नवे बंदियां नूं मिल के देखो, डर अपने आप खत्म होएगा, डर ते कंट्रोल होएगा। माइंड सैट करो, काउंसलिंग वध तो वध लवो, जिथे तुहानूं समझ नहीं आती हैगी अपने टीचर दे नाल गलबात करो, जिथे भी समझ नहीं आती हैगी
ਜੋ ਵੀ ਖੌਫ ਜੋ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।